अभी अभी जैसे जैसे इलेक्शन आ रहा है, एक लोगों का उमंग बढ़ गया है। यहाँ आइए, हम कुछ लोग जो हमारे संबलपुर की समाज से भी हैं, समाज से भी हर समाज में आगे रहते हैं, कार्यक्रम में आगे रहते हैं। हाँ सर, आपका नाम सर? पप्पू भाई। पप्पू भाई, पप्पू बंका। पप्पू बंका जी, आप एक बहुत बड़े समाज से भी हैं, हर संस्था के साथ जुड़े रहते हैं। अभी कुछ दिनों के अंदर में इलेक्शन होना 23 तारीख को, उसमें भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेडी है, हर प्रकार की पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं, बहुजन समाज, स्वाधीन पार्टियां। तो इसमें आपका क्या मत है कि ऐसा इलेक्शन में आप लोगों का क्या रोल रहेगा, आप लोगों का रुझान किधर है? रुझान तो जो पार्टी परफेक्ट है उसी पर रुझान, और हमारा क्या, पूरी जनधन सब उसी में है। तो वही आप सेंट्रल पार्टी की तरफ का आप लोगों का रुझान है? सेंट्रल पार्टी में तो देखिए, मोदी जी के आगे तो कोई है नहीं, और ना कोई दिखता है, और ना आगे कोई दिखेगा। जी सर, तो एक तरफ सर अभी लोकल भी है यहाँ पर, जैसे उड़ीसा की सरकार एक है, आज तो दिल्ली की सरकार, तो अब दोनों में किधर आप लोग चाहते हैं? उड़ीसा की सरकार में तो नवीन बाबू को कोई नहीं टापेगा, नवीन बाबू है। जी सर, वेरी हॉनेस्ट एंड क्लियर, उसमें तो अरंतु परंतु नहीं है। और जहाँ तक मेरा पर्सनल विचार है कि उनका मैंडेट फाइनल है, नवीन बाबू को कोई इसमें पराजित कर नहीं सकता उड़ीसा में, और उनके मुकाबले में कोई भी पार्टी नहीं है। और रहा सेंटर में दिल्ली में, तो मोदी जी तो ही है, उनके मुकाबले में कोई नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू जी, आपका मत बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर, थैंक यू।